बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मुद्रा के बारे में जो आपको स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद कर सकती है। इस मुद्रा का नाम है उत्तरबोधि मुद्रा। तो चलिए अब हम इस मुद्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तरबोधि मुद्रा को अपने हाथों की मदद से किया जाता है। इस मुद्रा में आपके अंगूठे की जड़ के साथ उन उंगलियों को मिलाएंगे जो उंगली के अंतिम फलांग के करीब होती है। इस मुद्रा को विधियों के अनुसार करने से हमारे शरीर, मन और आत्मा में सुख और स्वास्थ्य की एक स्थिति उत्पन्न होती है। उत्तरबोधि मुद्रा करने से हमें कई स्वास्थ्य और मानसिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यह मुद्रा तनाव को कम करने में सहायता करती है और शांति की स्थिति उत्पन्न करती है। इस मुद्रा को करने से मन का समर्पण और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान और मेधा शक्ति में सुधार होता है। यह मुद्रा रात को अच्छी नींद के लिए मददगार साबित हो सकती है और अनिद्रा के साथ जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। इस मुद्रा को नियमित रूप से करने से रक्तचाप को सामान्य स्तर पर रखने में मदद मिल सकती है। इस मुद्रा को करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने अंगूठे के नाखून के साथ उन उंगलियों को मिलाएंगे जो उंगली के अंतिम फलांग के निकट होती है। उत्तरबोधि मुद्रा को 10 से 15 मिनट तक बनाए रखें। ध्यान और शांति के साथ मुद्रा करें। उत्तरबोधि मुद्रा को करते समय आप ध्यान और आध्यात्मिकता के भाव को भी जोड़ सकते हैं। इससे ध्यान करते समय आप अपने मन को शांत और खाली करें। इससे आपको एक स्थिर मानसिक अवस्था में जाने में मदद मिलेगी और अधिक समर्पण प्राप्त होगा। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास जरूरी है। इसे नियमित रूप से करने से आपको बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार प्राप्त होगा। इसे रोजाना करने में आपको कई फायदे हो सकते हैं, जैसे शांति और स्थिरता की अनुभूति, मानसिक स्वास्थ्य का सुधार, निद्रा की गुणवत्ता में सुधार, तनाव की कमी, मेधा शक्ति का विकास, रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करना आदि। इस वीडियो में हमने उत्तरबोधि मुद्रा के बारे में बात की जो आपको स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद कर सकती है। हमने इस मुद्रा के लाभ, विधि और नियमित अभ्यास के बारे में चर्चा की। यदि आप इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करेंगे और अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे तो आप शारीरिक और मानसिक लाभ जरूर होगा। उत्तरबोधि मुद्रा से संबंधित ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।